इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। रायबरेली के ग्रामीण क्षेत्रों में खाली पड़ी व अवैध कब्जे से मुक्त जमीनों पर नेपियर ग्रास नाम के विशेष किस्म के हरे चारे के पौधे को रोपित किए जा रही है। ये पौधे 10 से 15 वर्षों तक काटने के बाद सिंचाई होते ही उगते रहेंगे। जिले के सलोन ब्लॉक क्षेत्र स्थित मटका गांव में बीडीओ शशि कुमार ने पौधों को रोपित करते हुए बताया कि ये चारा गौशालाओं में जाएगा, जिसकी कीमत ग्राम सभा के खाते में गौशाला के जिम्मेदार भेजेंगे। सलोन ब्लॉक का ये पहला गांव है जिसका विकास वन ग्राम योजना के तहत होने जा रहा है। सर, नाम और परिचय बताइए। मैं खंड विकास अधिकारी, विकास खंड सलोन। सर, आज ये क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? आज शासन की मंशा के अनुरूप जो गौशालाएं संचालित हैं, उन गौशालाओं में जो जानवर हैं उनके लिए हरे चारे की व्यवस्था के लिए आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें नेपियर ग्रास की गांठें इस क्षेत्र में लगाई जा रही हैं। यहाँ पर पानी के लिए बोरिंग की भी व्यवस्था है और इसकी रखवाली की भी व्यवस्था है। नेपियर ग्रास एक बार लगा देने के बाद 10 से 15 वर्ष तक यहाँ की जो हरा चारा होगा, ये हरा चारा हमारी गौशालाओं में पहुँचाया जाएगा और जानवरों को पौष्टिक हरा चारा यहाँ से उपलब्ध होगा। इसी उद्देश्य से आज इसका शुभारम्भ किया गया है। सर, ग्राम सभा को क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? जो भी हरा चारा यहाँ से उत्पादित होगा, गौशालाओं में जाएगा, उसका मूल्य ग्राम सभा को, उसकी लागत मूल्य और उसका जो मूल्य है वो ग्राम सभा को मिलेगा। सर, क्षेत्रफल कितना है लगभग इसका, लगभग कितनी दूरी है? लगभग वर्तमान में हमारी नेपियर ग्रास लगभग 2 बीघे में लगाई जा रही है। शेष क्षेत्रफल में इसको क्रमशः हम बढ़ाते चले जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे लगभग 50 बीघे की ज़मीन उपलब्ध है। सर, सौंदर्यीकरण को लेकर क्या यहाँ पे योजना है आपकी? यहाँ पर मनरेगा वन ग्राम के अंतर्गत हम एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे और मनरेगा वन ग्राम की इसी में स्थापना करेंगे। इसके साथ ही साथ पूरे इस क्षेत्र में जो भी चारागाह का क्षेत्र है, इसे हम फेंसिंग से और इसमें हम वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम, बृहद कार्यक्रम करेंगे। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।